हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से आए सामरिया गोट फार्म पे और उनके ओनर से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं आज अपने उसको क्या दिखाने वाले हो, क्या नया लोट उनके पास आया है। तो मिलते हैं भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। अपना नाम कमल है, राजस्थान अजमेर में अपना फार्म है, सिक्कर रोड पे सामरिया गोट फार्म, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 6 से 7 किलोमीटर दूरी, रेलवे स्टॉप बस स्टॉप से 6 से 7 किलोमीटर दूरी। तो आज अपने उसको क्या दिखाने वाले और क्या नया लोट आपके पास है। गुजरी के अपने पास ये बकरियां हैं, सिरोही अजमेरी गुजरी की बकरियां। तो प्रेग्नेंट बकरी है सारी? सारी प्रेग्नेंट फीमेल है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? ढाई से तीन महीने। ढाई से तीन महीने की बकरी को अगर कोई आउटस्टॉप जैसे यहां से राजस्थान से बाहर लेके जाता है, एमपी यूपी बिहार या बॉम्बे गुजरात कहीं पे भी लेके जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत थोड़ी आती है? कोई भी दिक्कत नहीं आती। ज्यादा महीने की लेके जाते हो ना आप, 4 महीने 3.5 महीने तब दिक्कत आती है। आप 2.5 से 3 महीने के बीच की लेके जाओ, जो सफर के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बकरी। 2.5 से 3 महीने की में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी ये जैसे डिटेल दे दीजिए, कौन कौन सी नस्ल, क्या क्या है इसमें? ये अपने ये सिरो नस्ल की है। कितने महीने की क्या बने? ये 2.5 महीने की है। और कौन से टाइम बच्चा देने वाली? ये सेकंड टाइम बच्चा देने वाली है और 2 बच्चे देने की कैपेसिटी है। सेकंड टाइम बच्चा देगी और 2 बच्चे देती है ना? 2 बच्चे देगी। और इनके दूध कितना हो जाता है? ये अपने 3.5-3 लीटर के बीच में हो जाता है एक दिन का। जी जी। तो कोई नया फार्मर अगर फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो बच्चे लेके करे या प्रेग्नेंट फीमेल से स्टार्ट करे, जो फर्स्ट टाइम करना चाह रहा है? जो सबसे बेस्ट यही है, सबसे पहले तो प्रेग्नेंट फीमेल से करो, ताकि जो भी आपने बकरियों में लागत लगाई ना, वो 80% आपके फ्री हो जाएगा। जो मतलब इनके बच्चे बेच के जैसे कि 4 महीने बाद, मतलब 3 महीने की क्या बने, तो 2 महीने बाद बच्चा दे देगी। और बच्चा देने के बाद इनका बच्चा, आप 4 महीने तक इनका कोई खर्च नहीं आता, इनके दूध से बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि इनकी मिल्क देने की जो कैपेसिटी होती है 1.5 से 2 लीटर होती है एक टाइम की। बिल्कुल। ये भी सिरोही नस्ल है ना? ये भी सिरोही है, ये वाइट। तो इसमें अधिकतर सारी सिरोही नस्ल की बकरियां ही है ना? बिल्कुल, सिरोही नस्ल की बकरियां और भी है उस कंपाउंड में। हां बिल्कुल, दोनों कंपाउंड में डली हुई है। हां हां। तो इनकी रेट की अगर बात की जाए तो रेट की क्या हिसाब से इनकी रेट लग जाएगी? 250 रुपए के जी के हिसाब से सेल आउट करेंगे। 250 रुपए पर के जी के हिसाब से सेल आउट करें, इसमें से जितनी बकरी पसंद आए उतनी छांट के ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मिनिमम 10-15 तो होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 बकरी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कोई कस्टमर आपको रेलवे स्टॉप या बस स्टॉप आके कॉल करे तो आप उनको रिसीव कर लो? बिल्कुल रिसीव कर लेंगे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कोई भी कॉल करके, या वहाँ से रवाना हो तब भी कॉल करके रवाना, वहाँ से रवाना हो तब कॉल करके रवाना हो। रेट क्या बताइए आपने? 250 रुपए के जी। 250 रुपए पर के जी के हिसाब से भाई बकरी देंगे, और जो कि 2.5 से 3 महीने की बकरी है, सिरोही नस्ल की बकरियाँ इसमें ज्यादातर, और जो भी बकरी है अच्छी खासी हाइट लेंथ के अंदर क्वालिटी वाली बकरी है। बिल्कुल, एक नंबर क्वालिटी आप देख सकते हो। तो अभी कितने बकरी का लोट आपके पास अवेलेबल है? ये अपने पास 25 बकरी का, और उस कंपाउंड में कुछ 25-30 बकरी उसमें भी है, और 40-50 बकरी का लोट आपके पास अवेलेबल है ना? बिल्कुल। तो इसमें से कस्टमर आके यहाँ फार्म विजिट करके छांट के ले सकता है माल। बिल्कुल, निकाल लो, आप पसंद से लेके जा सकता है। तो धन्यवाद भैया। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और जो कोई भाई अपने यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।